तो अभी 5 बजे से हम उठ गए और ये गधे अभी उठ रहे हैं दोनों के दोनों। इसको देखो अभी ये गाड़ी, ये मजाक कर रहा हूँ, ये तो अभी उठ रहा है और ये तो नहा के आ गया भाई। सबसे पहले इसी ने नहाया, फिर इसी ने गर्म पानी लगाया मेरे लिए और अब जाके मैं नहा रहा हूँ। शर्म कर ले संजय भाई, उठ जा उठ जा भाई उठ जा। बुखार है तो क्या बिना नहाए मंदिर चलेगा तू? सबसे पहले मैं नहाऊंगा और यहाँ पे अभी सोया पड़ा है गाइस, तभी तो कह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ गाइस फटाक से और फिर मिलता हूँ आपको। सो गाइस फाइनली नहा लिया है यहाँ पे हमने भाई, इतना ठंडा हो रहा है ना गर्म पानी से नहाने के बाद भी सुबह सुबह, और ये अभी भी सोया पड़ा है। भाई 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 उठ जा भाई उठ जा भाई उठ जा उठ जा भाई। गाइस देखो कितना आलसी हो रहा है, जल्दी चल जल्दी 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 उठो जल्दी उठो, हाँ जल्दी उठो सबास। और गाइस अभी प्लान में मैं जा रहा हूँ, संजय जा रहे हैं, मोहित जा रहे हैं, मोहित और मैंने नहा लिया। आंसू को भी फोन कर लिया, आंसू भी आ रहे हैं गाइस, अभी मिल जाएगा आपको। और आप संजय भाई गुड, अब फटाक से नहा लो अब भी। और तब तक पहले हम दिया तो घर में करते हैं, उसके बाद चित्तई मंदिर जाएंगे गाइस, आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन करेंगे सुबह सुबह 2024 में चित्तई मंदिर। मोहित भाई यो, अभी हम पी रहे हैं कॉफी और यहाँ पे इसने बिना नहाए कॉफी पी रहे है, हम दोनों ने तो नहा लिया है गाइस। और वहाँ हमने दिया बातें भी कर ली है यहाँ पे, और बट भाई संजय भाई सेम ऑन यू, गलत बात है, गलत बात है संजय भाई, गलत बात है। सो गाइस फाइनली आंसू भी आ गया और हिमांशु भाई भी आ गए। पहले हिमांशु भाई का आने का मूड नहीं था बट भगवान ने बुला लिया भाई, वहाँ जाएंगे आप चित्तई मंदिर। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं, हम चारों, और संजय भाई लेट में उठे थे तो वो अभी तक नहीं पहुंचे। तभी कहते हैं ना जल्दी जल्दी उठो जल्दी जल्दी नहाओ, नहीं उनको तो नींद प्यारी थी तब वो अभी नहीं पहुंचे। हम चार लोग चले, हम 1 किलोमीटर आगे आ गए और वो अभी भी नहीं आया है वो बंदा। समझ सकते हो यार क्या हो गया रंडे को, अभी भी नहीं आया यार। हम सभी लोग चार लोग आ गए बट वो नहीं आया। अब फटाक से आ जाए यार वो कैसे ही, और यार हमारे आंसू भाई। तो गाइस फाइनली आ गया लौंडा वाइटी हमारा, अब फटाक से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी चित्तई लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो हमें थोड़ा शॉर्ट लेना पड़ेगा फटाक से जाने के लिए, वरना तो भीड़ लग जाएगी, फिर दर्शन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सुबह सुबह जल्दी से निकलते हैं। इसके चक्कर में तो लेट हो गए हम। पहुंच गए और आजू भाई की जैसी आदत है मजाक बनाने की, वो मजाक बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। या वे या सेक्सी वॉइस, और ये प्यारा सा व्यू देखो गाइस। फाइनली दौड़ते दौड़ते पहुंच रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, वहां हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ सभी लोग देख सकते हो ग्रुप में दौड़े, आंसू भाई पीछे हो गए क्योंकि उन्होंने टाइट लोअर पहन लिया ना, तो चल गई यार भाई साहब। अभी तो हम ही 4 लोग हैं और अब बस एक मोड़ और उसके बाद पहुंच जाएंगे गाइस। अभी दिखाता हूँ आपको गाइस, अभी भाई बहुत थक गए ना, सांस फूलने लगी मेरी तो, और सभी लोग वैसे भी देर में आए आज आप संजय भाई के चक्कर में। और अब हम आगे चित्तई गोलू देवता के मंदिर गाइस, ये देख सकते हो जय गोलू देवता, जय गोलू देवता। पहुंच चुके हैं हम यहाँ, भीड़ देख सकते हो संजय भाई की कृपा से। तो गाइस फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए और प्यारा सा ये भव्य मंदिर, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, एकदम शांति प्रतीक हो रही है। अभी तो उतनी भीड़ थी नहीं, फिर भी संजय भाई के कारण लेट हो गए थे, पर 5 मिनट की लेट कोई बात नहीं, चलता है इतना। और यहाँ प्रसिद्ध मंदिर 1 घंटियों का मंदिर, और हमारे
हनुमान जी की हन और अब यहाँ पे खाना पीना हो रहा है गाइस। और गाइस अब खाना खाते हैं हम भंडारे में चेकआउट। तो गाइस फाइनली यहाँ पूरी और आलू की सब्जी और खीर, तो तीनों से फुल हो चुका है हमारा। भंडारे में खाया है हमने भाई, मैं तो प्राउडली फील करूँगा कि किसी की विशेष पूरी हुई है और उसने फिर भंडारा लगाया तो उसमें हम भी शामिल हो गए खाने के लिए। और खा के हम आ गए यहाँ पे चेकआउट। आंसू भाई ने भी खा लिया है और मोहित भाई ने भी, और संजय भाई तो हमेशा ही लेट कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत लेट है, लेटी बॉय। अब थोड़ा देर यहाँ पे घूमते हैं, बड़ा सही मौसम लग रहा है। बस थोड़ा यहाँ जो पाँव है ना बहुत मतलब बर्फ़ बन चुके हैं, चलते चलते बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि सुबह की अभी धूप भी नहीं है, धूप भी यहाँ पेड़ों के पीछे ही है छिपी पड़ी। यहाँ आने तक का तो टाइम लगेगा। और भाई सोची इतना बर्फ़ जैसे बर्फ़ होता है ना उसमें चलने लग रहा है इन टाइलों में। और अभी थोड़ा यहाँ पे घूमते फिरते हैं, दर्शन करते हैं मंदिर के, भगवान जी के तो हो गए अंदर, अब बाहर से एक दो राउंड मारते हैं। और यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर मोहित भाई की फ़ोटो खींचते हुए गाइस दर्शन करके आ गए, घूम के आ गए हम पांचों लोग। यह देखो चेकआउट, क्या मुस्कान है सर मंदिर में जाने के बाद। और गाइस अब हम आ गए डाना गुलजू, यहाँ भी गुलजू का निवास। और गाइस अब यहाँ दिखाते हैं आपको यहाँ का मंदिर, क्योंकि नीचे इस साइड को यहाँ चितई मंदिर है, यहाँ पे यहाँ से आधा किलोमीटर का रास्ता होता है और यहाँ पे ऊपर डाना गुलजू का मंदिर। गाइस और अब हम पहुँच गए ऊपर वाले मंदिर में, डाना गुलजू के मंदिर में, यहाँ तो कमी भीड़ रहती है। और गाइस अभी यहाँ मंदिर जाके आ गए हैं दर्शन करके और अब हम जा रहे हैं घर को। और घर के रास्ते में भी मंदिर पड़ते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे पड़ता है गंगनाथ जी का मंदिर, तो हम गंगनाथ जी के मंदिर में जाएंगे। उसके बाद आपको आज यहाँ के पूरे रूट के दर्शन कराते हैं, कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं हमारे रूम में जाने तक का, तो मिलते हैं आपको हर एक मंदिर के साथ। गाइस फाइनली यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं हम। और आपने कितना प्यारा मनमोहक है यार मंदिर। और अभी अब यहाँ से निकलते हैं और अभी एक मंदिर और है नीचे हनुमान जी का, और वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ का व्यू भी कराते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम गंगनाथ जी के मंदिर पे आ गए थे, अब आ गए हैं हम हनुमान जी के मंदिर पे। जय बजरंग बली। और गाइस अब यहाँ पे है मंदिर, अब यहाँ के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ मंदिर में कि गाइस फाइनली सारे मंदिरों के दर्शन हो चुके हैं नए साल के दिन पहली तारीख को सोमवार के दिन। और अब निकलते हैं हम फटाक से घर को, फिर खाना वाना खाते हैं गाइस। और ऐसी स्पेशल डेज में आपके पास मैं वीडियो बताते रहूँगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो स्पेशल डे के साथ।